हे गाइस, ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्ट वॉच फिटरिस्ट स्टाइल। मैं ऑलरेडी 2-3 दिनों से ये स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा हूँ, बट स्मार्ट वॉच का पैकेजिंग कैसा है, बॉक्स के कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताना बनता है। तो चलिए बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। ये है पैकेजिंग, सॉलिड, काफ़ी प्रीमियम सा फील मिलता है डब्बा देखने के बाद। टॉप में ब्रांडिंग दिखेगा आपको एंड दोनों साइड पे प्रोडक्ट के हाइलाइट्स एंड फीचर्स। 1.4 इंचेस का विजन ग्लास डिस्प्ले, अप टू 7 डेज बैटरी बैकअप, सोशल अलर्ट्स, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, एक्टिविटी ट्रैकर, स्मार्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SPO2, हार्ट रेट डिटेक्टर, स्लीप एनालिसिस टेक्नोलॉजी, IP68, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट का वेट है 35 ग्राम्स, MRP है 6999, लेकिन काफी सस्ते में ये स्मार्ट वॉच आपको मिल जाएगा। मैं प्राइसिंग के बारे में आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 3 कलर्स में ये अवेलेबल है, ग्लेज ब्लैक, आर्मी ग्रीन एंड एश ग्रे। खुल जा सिम सिम। और ये है अपना स्मार्ट वॉच एश ग्रे कलर का, ग्रेट। ऑलरेडी स्ट्रैप्स लगा हुआ है, आपको स्ट्रैप लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा डब्बे के अंदर और एक मैग्नेटिक चार्जर। गाइस, ये जो स्ट्रैप है ना, ये रिप्लेसेबल है, यानी आप चाहो तो दूसरा स्ट्रैप लगा सकते हो, इसे आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी है, सॉफ्ट है, बिल्ड क्वालिटी स्मार्ट वॉच का काफी सही लगा मुझे, प्रीमियम सा लगा स्मार्ट वॉच। मेटल केसिंग है, मैट फिनिश है, पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल लगा। ये सिंगल बटन मिलेगा जिसे आप अपने स्मार्ट वॉच को कंट्रोल कर सकते हो। पीछे आपको सेंसर्स देखने को मिलेगा और चार्जिंग पिन। तो चलिए अब मैं आपको स्मार्ट वॉच ऑन करके दिखा देता हूँ। 4 वॉच फेसेस प्री इंस्टॉल मिलेगा। वैसे आप 200 से ज़्यादा वॉच फेसेस ट्राई कर सकते हो, 200 से ज़्यादा। मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको स्वाइप लेफ्ट करके एकदम बॉटम में अदर्स पे टैप करके फिर से एकदम बॉटम में ऐप QR कोड मिल जाएगा ऐप डाउनलोड करने के लिए। वैसे आप प्ले स्टोर से भी फिटरिस्ट एक्टिव सर्च करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिटरिस्ट स्टाइल का फीचर्स एंड इंटरफेस चेक करते हैं। सबसे पहले स्वाइप डाउन करके क्विक टॉगल्स मिल जाएगा, 5 क्विक टॉगल्स। पहला वाला है थिएटर। ओके, जब आप मूवीज देख रहे हो ना, तो उस सिचुएशन में आपका स्मार्ट वॉच है वो साइलेंट मोड पे चला जाएगा और ब्राइटनेस जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा वाला टॉगल है ब्राइटनेस का, 5 लेवल ब्राइटनेस मिलेगा, टैप करके आप ब्राइटनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद तीसरा वाला बटन है वाइब्रेशन का एंड चौथा वाला वेदर का और पांचवा वाला है मेन्यू का, सेटिंग्स का। स्मार्ट वॉच का स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए आप बटन को प्रेस कर सकते हो, बैक जाने के लिए बटन को प्रेस कर सकते हो एंड होम स्क्रीन पे वापस आने के लिए बटन को प्रेस कर सकते हो एंड होम स्क्रीन से स्वाइप अप करके आप मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन तक एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड जितने भी सोशल ऐप्स है आप लिंक कर सकते हो सारे को। गाइस, स्वाइप लेफ्ट करके आप मेन्यू में जा सकते हो। पहला है स्टेप्स, यानी आज आपने कितना स्टेप्स लिया है। वैसे ज्यादा डिटेल के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप ऐप चेक कर सकते हो, आपको उसमें वीकली मंथली डिटेल सारा मिल जाएगा। उसके बाद है स्लीप ट्रैकर, आज आपने कितना घंटा सोया। नेक्स्ट हार्ट रेट म॑ॉनिटर, नाउ ट्रेनिंग, 8 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा आपको, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड योगा। ट्रेनिंग के बाद BP, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहो, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद SPO2, अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। एंड गाइस, जो डेटा है ना, मैंने मशीन के साथ मैच करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट मुझे डेटा जो है करेक्ट लगा। गाइस देखो, एकदम 100% डेटा मैच करता है ऐसा नहीं है, लेकिन इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको अपने हेल्थ के बारे में। ऑन द गो आपको वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, साथ में कैमरा शटर बटन, यानी आप अपने सेल्फीज ले सकते हो स्मार्ट वॉच की मदद से, और साथ में म्यूजिक कंट्रोलर भी। आप YouTube के वीडियोस को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, किसी भी म्यूजिक ऐप को ये सपोर्ट करता है। आप आराम से अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, और अगर आपको गाना पसंद ना आए तो उसे स्किप भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको उठकर अपना मोबाइल फोन उठाने की जरूरत नहीं, उसे अनलॉक करके म्यूजिक चेंज करने की जरूरत नहीं। बैक जाने के लिए बटन को प्रेस करना पड़ेगा एंड देन स्वाइप राइट। पहले दिख जाएगा स्टेप्स, दूसरा स्लीप ट्रैकर, तीसरा हार्ट रेट एंड देन एक्सरसाइज मोड, और उसके बाद ब्लड प्रेशर, फिर SPO2, उसके बाद वेदर, उसके बाद शटर बटन एंड देन प्लेयर, और एंड में ब्रीथ। गाइस, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, इंडोर में आप आराम से लेवल 1 पे या 2 पे रखकर अपना स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो एंड आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे बहुत तेज़ धूप में 4 या 5 लेवल पे रखकर ब्राइटनेस को आप आराम से अपना स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो। अब गाइस, मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, ऐप का इंटरफेस और पूरा कंप्लीट डेटा, कौन कौन सा डेटा स्टोर करता है ऐप आपका। ओके, तो पहले होम पेज पे पहला वाला कार्ड जो है वो है स्टेप्स का। स्टेप्स में आपको डेली, वीकली और मंथली डेटा मिल जाएगा। अगर आप वीकली में जाओगे ना, तो नीचे एक बटन है, उसे स्क्रॉल करके आप कल आपने कितना स्टेप्स लिया था, आज कितना स्टेप्स लिया, उसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है स्लीप, यहाँ भी आपको डेली, वीकली और मंथली डेटा मिल जाएगा जिसे आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद है हार्ट रेट, यहाँ लास्ट 7 टाइम्स का ट्रेंड आपको दिख जाएगा, कंटिन्यूस हार्ट रेट।
यहाँ पे आपको डेली, वीकली और मंथली डेटा मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, आपको लास्ट 7 टाइम्स का डिटेल दिख जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन लास्ट 7 डेज का ट्रेंड दिख जाएगा, डिटेल दिख जाएगा। और उसके बाद है आउटडोर रनिंग। अब गाइस नेक्स्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा वॉच फेसेस। वॉच फेसेस में मोर वॉच फेस पे टैप करने के बाद आपको बहुत सारे 200 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइस नोटिफिकेशंस। कौन कौन से ऐप के नोटिफिकेशंस मैसेजेस आपको चाहिए उसे आप यहां से सिलेक्ट कर लो। देन अलार्म्स, फिर है शटर, और उसके बाद है अदर्स। अदर्स में टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस हार्ट रेट को अगर आप एक्टिव रखना चाहते हो तो उसे आप यहां से एक्टिव कर सकते हो। कंटिन्यूसली आपको जो स्मार्ट वॉच है आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करता रहेगा। ऑटो लॉक, अगर आप अपने स्मार्ट वॉच को सेट करना चाहते हो 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स का, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, ये बहुत जरूरी है, अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना। उसके बाद है वेदर, एंड उसके बाद है फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर गर्ल्स के लिए। साइकिल डेज वगैरह को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। तो ये स्मार्ट वॉच कितना करेक्ट डेटा शो कर रहा है, इसका जो रीडिंग है वो कितना एक्यूरेट है, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं भागा स्टेप काउंट्स चेक करने के लिए। ओके, तो भागने के बाद जब मैंने स्टेप्स अपना काउंट किया और वापस से स्मार्ट वॉच में डेटा मैच किया तो मुझे ऑलमोस्ट करेक्ट दिखा डेटा। गाइस भागने के बाद जो सबके साथ होता है मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया एंड मैंने कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन जो है वो इनेबल रखा था, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा मेरा रीडिंग जो है वो काफ़ी हाई हो गया। एंड थोड़ी देर के बाद जैसे ही मेरा बॉडी नॉर्मल हुआ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने लगा, तो फिर से मेरा रीडिंग जो है वो नॉर्मल दिखने लगा। फर्दर टेस्ट करने के लिए मैंने इसे टेबल पे रखकर भी SpO2 और हार्ट रेट चेक करने की कोशिश की एंड सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि ये टेबल है। गाइज अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्मार्ट वॉच के बारे में, यानी फिटरेस्ट स्टाइल के बारे में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंडेक्स का एक बार वेबसाइट चेक कर लेना। अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हो तो MRP है 6,999 रुपये, ऑफर प्राइस है 3,249 रुपये एंड मैंने एक कूपन कोड डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अगर उस कूपन कोड से ये स्मार्ट वॉच खरीदते हो तो आपको 2,499 रुपये में ये स्मार्ट वॉच मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।